और मैंने पैर बिल्कुल पीछे रख लिया। क्लच पे तो पैर आपको रखना ही नहीं है, डालना है क्लच, पूरा दबना चाहिए। बहुत से लोग हाफ क्लच पे गियर चेंज करते हैं, वो कभी नहीं करना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिलहाल तो शाम हो रही है, लेकिन गुड मॉर्निंग तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो वीडियो सुबह सुबह 8 बजे देख रहे हो ना। ओह, अभी ना एक मिनट, दोस्त का फोन आता था कि भाई मेरी ना गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली गई, लेकिन मेरी क्लच प्लेट फूक गई यार। मैंने कहा अच्छा, कह रहा भाई ऐसे कैसे चलाऊं जो मेरी क्लच प्लेट लंबी चले। अब मैं डलवा लूंगा, मेरा खर्चा आ जाएगा। चलो कोई छोटी गाड़ी है तो 10,000 रुपये का आ जाएगा, बड़ी गाड़ी है स्कॉर्पियो ऐसी हमारी है स्कॉर्पियो, उसमें 20-25 हज़ार रुपये का आ जाएगा। तो ऐसे गाड़ी कैसे चलाएं सिटी में, और उसकी ट्रैवलिंग ज़्यादा सिटी में है और क्लच प्लेट भी सिटी में फूकती है, हाईवे पर तो कोई क्लच प्लेट फूकती भी नहीं है। तो ऐसे कैसे गाड़ी चलाएं जो हमारी क्लच प्लेट ना फूके, बाइक की होगी गाड़ी की होगी दोनों पर डिपेंड करता है। तो जो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बाइक में भी क्लच प्लेट होती है और गाड़ी में भी। मैंने कहा चल भाई मैं तुझे कुछ बता, फिर मैंने उसको सारी बातें समझाई। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे चलाए कर, ऐसे मत करा कर, एक डूज एंड डोंट्स बताए थे मैंने इन शॉर्ट मतलब, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि टॉपिक तो ये अच्छा है कि आप अपनी क्लच स्पीड लंबी कैसे चलाएं, क्योंकि हमें भाई गाड़ी चलाते हुए कहीं 7th क्लास से गाड़ी चला रहा हूँ और आज लगभग ना भी करते करते 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और फिर बस 2nd, 3rd लगभग 11 से 12 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते चलाते। इतनी तो आती है कि भाई क्लच स्प्लिट कैसे बचाई जाती है अपनी गाड़ी की, या क्लच लंबी कैसे चले, क्योंकि हमारी स्कॉर्पियो की 1,00,000 किलोमीटर पे क्लच प्लेट चेंज हुई है। क्लच प्लेट अगर मैं थोड़ा फंबल हो जाऊँ तो प्लीज़ एडजस्ट करना, क्योंकि दो वर्ड ना सेम है, क्लच प्लेट ठीक है एकदम बोलना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए अभी सॉरी बोल रहा हूँ मैं। मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाई जाए और सभी को समझाया जाए कि आपकी क्लच प्लेट लंबी कैसे चल सकती है, ठीक है। हमने अपनी स्कॉर्पियो चलाई, अगर वो 1,00,000 किलोमीटर चली है तो लगभग 40,000 किलोमीटर मैंने चलाई है, वो ट्रिप्स पे हो गई, लोकल में हो गई, हर जगह मतलब ऑलमोस्ट हर जगह, पहाड़ों पे, लद्दाख तक लेके गया था मैं उसे हम मतलब। तो उसकी क्लच प्लेट 1,00,000 किलोमीटर तक चल गई, ठीक है। अब भी हमने इसलिए चला ली, चलाने को तो और 10,000 किलोमीटर चला लो, फिर उसका फ्लाई व्हील बैरिंग वगैरह सभी चेंज चीज़ें चेंज होती हैं, तो 1,00,000 किलोमीटर पर ऑलमोस्ट करा लेनी चाहिए अगर आपकी हाईवे की रनिंग है। और पूरी ही अगर 1,00,000 आपकी 1,90,000 किलोमीटर हाईवे पर चली है तो फिर आप हाईवे चली तो फिर तो क्लच प्लेट लंबी चल जाती है, बहुत चल जाती है, फिर तो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलाने के ऊपर आपने सुना होगा हर किसी से, क्योंकि भाई मेरी क्लच प्लेट चल गई, मेरा चलाने का तरीका अलग है। कोई बोलता है, मैं किसी बोलता हूँ भाई चलाने में फ़र्क पड़ता है। अभी चलाने पर फ़र्क पड़ता है, चलाने पर डिपेंड है, ऐसे कैसे चलाएं जो हमारी क्लच प्लेट लंबी से लंबी चले, ना इतना खर्चा आएगा, क्योंकि क्लच प्लेट चलती खुलती है फिर बैरिंग भी, फ्लाई व्हील भी, सब चीज़ ही चेंज होती है, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, बैरिंग ऊपर नीचे का, और बहुत बार क्लच सिलेंडर, मतलब पूरा ऑलमोस्ट लंबा खर्चा बैठ जाता है। अब फूकती ज़्यादातर आपकी इसमें ही है, सिटी ट्रैफिक में ही। तो क्यों ना आज इसके ऊपर ही एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कैसे आप कम अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट लंबी चलाएं, कम फूके। क्योंकि अब ये गाड़ी है ये 60,000 किलोमीटर चल गई, ठीक है। ये लगभग लगभग मैंने 10,000 किलोमीटर चला ली, सेकंड हैंड ली थी, आपने वीडियो देखी थी, लगभग 50,000 पे ली थी, 51-52 पे, अब 61 ही चलने वाली है। तो अब भी इसकी क्लच प्लेट एज इट इज़ है, जैसे पहले वाले ने चलाई उसमें जो भी फूकी वैसे, तो इसकी थोड़ी सी डाउन है क्लच प्लेट, क्योंकि 60,000 भी चली गई और पहले किसने कैसे चलाई वो एक फ़र्क पड़ता है। उन्होंने जब i20 ली थी मैंने 40,000 पे ली थी और वो लगभग 85,000 चला दी थी, उसकी क्लच प्लेट एज इट इज़ की एज इट इज़ थी, क्योंकि जब मैंने ली थी उसमें नई क्लच प्लेट डली थी, उसमें 19-20 का फ़र्क नहीं पड़ा था 40-45,000 किलोमीटर में, ठीक है। तो आज उसी के बारे में सब चीज़ मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ कि इस भरे ट्रैफिक में इसमें कैसे ऐसे गाड़ी चलाएं जो आपकी क्लच लंबी चले, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें, तीन चीज़ें हैं ज़्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ी को, जिसमें बिल्कुल साइड ही रख देते हैं, एक तरफ टॉर्क कन्वर्टर, DCA, DSG सबको साइड रख के सिर्फ मैनुअल में फोकस करते हैं, क्योंकि आज भी इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जिसमें मैनुअल गाड़ी सबसे ज़्यादा ड्राइव होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि पैसों की वजह से। लोग कहते हैं हम क्लच दबा लेंगे लेकिन हम 2-2.5 लाख रुपये ऊपर फालतू नहीं देंगे, ऊपर से फिर माइलेज भी कम मिलेगा हमें। तो इस वजह से आज भी इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मैनुअल कार ड्राइव होती है, ठीक है। तो अब हम मैनुअल कार ड्राइव करते हैं, अब भी हम अगर सड़क पर चल रहे हैं तो लगभग 90% कार, ठीक है, एक्सेप्ट मैं इनको हटा देता हूँ लग्जरी एंड कार को, 90% कार मैनुअल है, ठीक है। अब ये BMW हो गई, ऑडी, मर्सिडीज, इनमें तो भाई मैनुअल आता ही नहीं है, ट्रांसमिशन सिर्फ एक BMW की स्पोर्ट्स कार है आई थिंक M4 करके है कुछ, उसमें सिर्फ एक मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, वरना पूरी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्वो इनमें किसी में भी
मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आता, क्योंकि बाहर कोई मैनुअल ट्रांसमिशन लेना पसंद ही नहीं करता, सब ही ऑटोमेटिक पे जाते हैं। अब कुछ कुछ लोग फिर भी दिल्ली का ट्रैफिक देखते हुए, अपना लोकल ट्रैफिक देखते हुए, बैंगलोर मुंबई इनका ट्रैफिक देखते हुए लोग फिर भी इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आज भी लगभग 70-80% लोग, मैं अगर लग्जरी एंड गाड़ियों को हटा दूं, सिर्फ अपनी नॉर्मल गाड़ियों को रखूं, तो 70-80% लोग आजकल लोग मैनुअल ही चला रहे हैं। ठीक है, अब मैनुअल चलाते हैं, मैंने बहुत सारी, मैं कैब में जाता हूं या मैं किसी के साथ जाता हूं, मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं कि लोग कैसे कैसे गलत गलत तरीके से क्लच यूज़ करते हैं, कि उनकी क्लच प्लेट फूकती है, फिर वो बोलते हैं कि हमारी क्लच प्लेट जल्दी फूक गई। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 8-10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको उसमें सब चीज़ कवर कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लगभग 5 मिनट की वीडियो तो मुझे आपको समझाने में लग गई और थोड़ा वीडियो में इंटरेस्ट बनाने में लग गई। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको ना ज्यादातर फुट मूवमेंट दिखाऊंगा। तो अब आपको मेरा क्या बोलते हैं, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों दिख रहे होंगे, ठीक है। सॉरी मैं स्लीपर्स में चला रहा हूँ, बट मुझे स्लीपर्स में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है चलाने में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, लोग जो है हमेशा, मैंने बहुत सी चीज़ों पर नोटिस करा है, लोग क्या है क्लच पे पैर रख के चलाते हैं। अब एक बार जब थोड़ी ग्रीन लाइट हो जाती है, जब मैं गाड़ी उठाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, या फिर कहीं ट्रैफिक में चलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे कैसे करते हैं। आप 2 मिनट रुको, एक बार ग्रीन लाइट हो जाए, सामने रेड लाइट हो रखी ना, मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है, अब आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब आपको मेरा क्लच भी दिख रहा है, सही है, लाइट लगवा रखी है, फायदा आपको दिख रहा है, क्लच ये रहा, ब्रेक ये रहा और एक्सीलेटर ये रहा। ठीक है, अब ग्रीन लाइट हो गया, सबसे पहले आपको गाड़ी क्लच हल्की सी छोड़नी है, रेस उठाई और क्लच से पैर बिल्कुल हटा लिया मैंने, देखो इसमें डेड पेडल नहीं है, वरना आपको दिखाता, मैंने सेकंड गियर डाला और मैंने पैर बिल्कुल पीछे रख लिया। क्लच पे तो पैर आपको रखना ही नहीं है, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी गाड़ी ऐसे मूविंग ट्रैफिक में है तो आप क्लच से पैर हटा लो फर्स्ट, अगर फर्स्ट गियर मूविंग ट्रैफिक है तो फर्स्ट गियर में रखो, सेकंड गियर मूविंग ट्रैफिक है तो सेकंड गियर में रखो। ठीक है, तो अभी जैसे इतना मूविंग ट्रैफिक है, मेरी गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है और मैंने क्लच पे पैर बिल्कुल भी नहीं रख रखा, ये देख लो आप। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इस पे हल्का सा पैर रख लेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ऐसे रख लेंगे बिल्कुल, एक अगर आप हल्का सा पॉइंट भी छुआते हो ना तो भी आपकी क्लच यूज होती है, आपकी क्लच घिसती है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको धीरे धीरे सब दिखाता हूँ। थर्ड गियर डाला, क्लच से पैर बिल्कुल हटा लिया, डेड पेडल हो तो डेड पेडल पे रख लो, वरना साइड में रख लो, वरना पीछे रख लो, जहां आपका मन करे आप वहां अपना पैर रख सकते हो। ठीक है, अब मुझे फोर्थ गियर डालना है, क्लच पूरा दबना चाहिए, बहुत से लोग हाफ क्लच पे गियर चेंज करते हैं, वो कभी नहीं करना, वो ना आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा लॉन्ग टाइम में। हाफ, ना तो हाफ क्लच पे कभी गाड़ी चलानी, ना तो हाफ क्लच पे कभी गियर चेंज करना। अब ब्रेकर आ गया, सेकंड गियर मैंने क्लच दबा रखा था, बिल्कुल भी उठाया नहीं, पूरा दबा रखा था, सेकंड गियर में गाड़ी डाली और पूरा क्लच छोड़ दिया। अब रेस दी, थर्ड गियर में गाड़ी आने के लिए हुई, क्लच दबाया, थर्ड गियर दिया, छोड़ दिया। अब लोग क्या करते हैं, मैं भाई गाड़ी न्यूट्रल करके करूँगा, क्योंकि मैं वैसे नहीं करूँगा वरना मेरी क्लच प्लेट फूकेगी आपको दिखाने के लिए। लोग क्या करते हैं, मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर दी, अब ऐसे आराम आराम से ऐसे 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 पैर उठाते हैं, साथ में रेस देते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है मूविंग गाड़ी में। ठीक है, तो उसमें क्या, आपकी क्लच यूज होती है और आपकी क्लच प्लेट बर्न होने लगती है। तो हमेशा जब भी आप गियर चेंज करें, अपना क्लच से पैर हटाएं और नॉर्मली गाड़ी को चलने दें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, क्लच पे पैर बिल्कुल भी नहीं रखना चलते ट्रैफिक में या चलते किसी में भी हाईवे पे, अब हमेशा डेड पेडल पे या फिर साइड में पैर रखना है। अब इतना ट्रैफिक है, देख लो नॉर्मली ट्रैफिक है, लेकिन मैंने क्लच पे पैर नहीं रख रखा, आपको दिख गया होगा, एक पैर मेरा ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, भीड़ आ गई, अब मैं आपको भीड़ में बताता हूँ क्या करना। देखो ये भीड़ है, इसमें सेकंड गियर मैंने डाला और मैंने गाड़ी छोड़ दी। अब मैं सेकंड गियर में डाल के अपना क्लच से पैर, देखो सेकंड गियर में डाल के क्लच से पैर हटा लिया, अब मूविंग ट्रैफिक है, मैं सिर्फ ब्रेक यूज़ करूँगा, रेस यूज़ करूँगा, ब्रेक यूज़ करूँगा, रेस यूज़ करूँगा, बट ध्यान रखना कि गाड़ी आपकी उसी ही गियर में हो जिसमें वो चाहती है, ये ना कि आप थर्ड गियर में डाल के मेरे कहने पे ब्रेक या रेस यूज कर रहे हैं। उसमें क्या, अगर आपकी गाड़ी मतलब हाई गियर में है और क्या बोलते हैं स्पीड कम है, लाइक थर्ड गियर में 20 की स्पीड है, मैं कह रहा था जैसे आपकी थर्ड गियर में 20 की स्पीड है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी। ठीक है, अब देखो मेरी स्पीड है लगभग 40, मेरा गियर है थर्ड। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ना तो क्लच पे पैर रख के चलाना, सेकंड अगर जो एक्यूरेट
गियर गाड़ी मांग रही है सिर्फ वो ही गियर में गाड़ी चलानी है, ना तो ओवर चलानी ना लेस चलानी, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ कन्फर्म दिखा दी, अब तीसरी चीज़ मैं आपको किसी ब्रेकर पे या किसी मोड पे तब दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार कोई ब्रेकर या मोड आ जाए या इतने, मैं कुछ आपको वैसे बताऊं तो अब जैसे मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, अब मैंने फिफ्थ गियर लगा रखा है आराम से, ठीक है। इस पे अगर मैं क्रूज करूंगा ना, ना तो क्लच पे जोर पड़ेगा, ना ही तो इस पे क्या बोलते हैं, ना तो क्लच पे जोर पड़ेगा और माइलेज अच्छा देगी गाड़ी, ठीक है। बाकी माइलेज की मैंने वीडियो पूरी अलग बनाई है, आप वो देख सकते हैं। देखो गाइस अब बताता हूँ, मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अब जैसे मुझे लेफ्ट लेना है, आलकस में गियर चेंज नहीं करते। अब वो क्या, वो कैसे, अब मेरी गाड़ी फोर्थ गियर में, सॉरी मेरी स्पीड 40 की आ गई, अब मेरा गियर है फिफ्थ, तो लोग क्या करते हैं इसी से ही एक्स्ट्रा रेस दे के पिक करते हैं। कैसे, एक तो आरपीएम मीटर नहीं, तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, ऐसे रेस दिया और देखो गाड़ी वाइब्रेशन ले रही है, गाड़ी को मतलब गाड़ी खुद बताती है कि मेरा गियर शिफ्ट करो या मेरा गियर अप शिफ्ट करो या डाउन शिफ्ट करो, ऐसे मतलब एकदम, मैं आपने देखा ना गाड़ी हल्की सी वाइब्रेशन ली, तो हमेशा जब भी कर्व हो या फिर ब्रेकर हो तो हमेशा राइट गियर में गाड़ी को रखना, तभी उसको पिक करना। अगर आप मतलब उसमें रखोगे ना थर्ड गियर में, मैंने बहुत से देखे हैं एक्स्ट्रा रेस देके क्लच पे गाड़ी उठाते हैं। और देखो गाइस ब्रेकर पे ना हमेशा फर्स्ट गियर में उतारना गाड़ी, कभी भी सेकंड गियर में मत उतारना खड़ी गाड़ी को, ठीक है। ये मैंने भी आपको दिखाई दिया आखिर, क्योंकि अब सोसाइटी में आके ही ब्रेकर मिला पार्किंग में नीचे, तो इस वजह से मैं ये भी दिखाई दूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक और ब्रेकर आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं कर ही देता हूँ, चलो लोग जो करते हैं, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की स्पीड देखो बिल्कुल इस पे आ गई, मैं फर्स्ट गियर में लेके देखो, अब क्या करते हैं सेकंड गियर में गाड़ी है, ऐसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे गाड़ी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। ये देखो पूरी गाड़ी क्लच पे उठी, दिल पे तो जोर पड़ा है सेकंड गियर में, बट कोई नहीं, आपको मैंने करके दिखा दिया। तो हमेशा जब गाड़ी बिल्कुल रुक जाए ना ऐसे, मैं तो पहुँच गया, तो हल्की सी रेस छोड़ो ऐसे, ठीक है, गाड़ी बढ़ेगी, हल्की सी रेस छोड़ो आगे, फिर रोक दो, फिर ऐसा ट्रैफिक में चला सकते हो, ठीक है, ऐसे। बाकी जब ब्रेकर से या स्टैंड स्टील से गाड़ी उठाओ, हल्की सी रेस देके ये छोड़ के और पैर पूरा हटा लो, ठीक है। मैंने आपको सब चीज़ डिफाइन कर दी, आप देखो सेकंड गियर डाल के ऐसे पैर उठा लो। तो उससे क्या होता है यार, दिल्ली की ट्रैफिक मैंने बहुत देखा है, लोग क्या करते हैं सेकंड गियर में गाड़ी को डाल के छोड़ देते हैं और गाड़ी को चलने देते हैं, एक्स्ट्रा रेस दे दे के क्लच से उठा उठा के, फिर आपकी क्लच प्लेट ना उसके प्रेशर प्लेट की फिंगर्स जो होती है ना वो हार्ड होने लगती है, फिर लोग बोलते हैं हमारी क्लच प्लेट हार्ड हो रही है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपनी गाड़ी को चलाते हुए भीड़ में। हाईवे पे तो आपको कोई क्लच का यूज ही नहीं है। हाईवे पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं ना हाईवे पे हल्का सा ऐसा पैर रखते हैं ऐसे, कैसे दिखाऊँ, हाँ ऐसे ऐसे हल्का सा पैर रखते हैं। आपने अगर इतना सा भी पैर रख रखा है ना, तो भाई बिल्कुल मत रखो क्लच पे, पैर तो बिल्कुल रखो ही मत, एकदम साइड रख दो, साइड हटा दो, क्योंकि क्लच तो मुझे यूज ही नहीं करना, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखो आगे हल्का सा ब्रेकर आएगा एक, मैं आपको तब दिखाऊंगा। यहाँ पे ना ब्रेकर आता है, सारी गाड़ी स्लो हो रही है ना, आपको हल्का सा दिख भी रहा होगा गाड़ी स्लो हो रही है। अब देखो अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, थर्ड गियर में डाल देंगे, या कोई कोई तो ऐसा होगा कि थर्ड गियर से ही चला रहा होगा पीछे से ही, कोई गियर इतना शिफ्ट नहीं करता, ऐसे थर्ड गियर में डाल दिया ऐसे, और ऐसे पूरी रेस देके तब गाड़ी को पिक करा, पूरी ऐसे गाड़ी को पिक करा, इसमें ना भाई बहुत नुकसान होता है क्लच का। मैंने भी कर लिया था आपको दिखाने के लिए, कोई नहीं एक दो बार में तो कुछ नहीं होता, बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये भाई को क्या हुआ जो मुझे ऐसे ही यूं करके गया, लग रहा है इसने मुझे देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे दिखा गया कि मैं भी वीडियो में आ रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आपको अपनी, मैंने कुछ कुछ चीज़ें ये कि आपको अपनी बिल्कुल अकॉर्डिंगली ही गाड़ी चलानी है, तभी आपकी क्लच स्पीड लंबी चलेगी। और थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपको थर्ड या फोर्थ पॉइंट में आपको थोड़ा सा बता दूं, कोशिश करो कि अपनी गाड़ी को एक ही गियर में ड्राइव करो, एक ही गियर, लाइक इन द सेंस कि अगर मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है, मेरी नॉर्मल स्पीड है कि मैं गाड़ी फिफ्थ गियर में नॉर्मली चला सकता हूँ, तो आप उतने ही जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक को मेजर कर लो कि आपकी गाड़ी कौन से गियर में नॉर्मली चलेगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। अब जैसे गाड़ी इतना ट्रैफिक है कि मैं फिफ्थ गियर में नॉर्मली चला सकता हूँ, तो आपने बहुत देर से नोटिस कर लो कि मैंने कोई गियर चेंज नहीं करा, क्लच यूज़ नहीं करा, तो फिफ्थ गियर में नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। तो अपना ऐसे ही कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपनाते रहो, और मतलब इससे आपकी क्लच स्पीड लंबी चलेगी। मैंने ये क्यों कहा,
अब मैंने क्यों कहा कि ऐसा फिफ्थ गियर में ही चलाओ, थर्ड में चलाओ, इससे तो नुकसान भी हो सकता है भाई। ये टोटली ही आपके ऊपर है कि आपको कैसे चलानी है, मतलब आपको पूरा एनालाइज करना है कि ये सही भी है नहीं, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सीएनजी गाड़ी की ज्यादा क्लच प्लेट फूकती है। वो पता क्यों फूकती है? लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ। छोड़ो अब तो चली गया ट्रैफिक। तो सीएनजी गाड़ी की पता क्यों ज्यादा फूकती है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना ज्यादा ही रेस देके उठाते हैं अपनी गाड़ी को, क्योंकि सीएनजी लोड मानती है तो वो एक्स्ट्रा रेस देके तब उठाते हैं अपनी गाड़ी को। बल्कि ऐसा करना नहीं चाहिए, अपना नॉर्मली रेस देके उठाओगे तब भी गाड़ी उठ जाएगी। ज्यादा जितनी ज्यादा रेस देके आप उठाओगे ना गाड़ी को, उतनी गाड़ी क्लच पे उठेगी। ये देखो सामने का मौसम कितना ही सुंदर हो रहा है। बाकी तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं घर। ये सामने मॉल देखो, बहुत सुंदर मॉल है भाई ये वाला, वन टैप, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी, अब आप देख सकते हो, मजे कर सकते हो, अपनी क्लच स्पीड बचा सकते हो। और पहाड़ों पे मैंने आपको बता दिया, हमेशा जब भी मोड़ पे चढ़ाओ तो क्लच से पैर हटा के रेस पे ओनली। बाकी डीजल गाड़ी की कम क्लच स्पीड फूकती है पेट्रोल की, उसके बाद फूकती है, और सबसे कम फूकती है सीएनजी, सबसे ज्यादा फूकती है सीएनजी की, सबसे कम फूकती है डीजल की। पेट्रोल की आपके ऊपर चलाने के ऊपर डिपेंड है, आपको बता दिया कैसे कैसे, वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बाकी पेट्रोल की भी लंबी चल जाती है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय। और हाँ गाइज, जब भी अपनी गाड़ी रेड लाइट से पिकअप करो ना, पिकअप कह रहा हूँ पिक करो, तो हमेशा हल्की सी रेस देके उठाना जब भी रेड लाइट से, या जब भी मतलब स्टैंड स्टिल गाड़ी को जब भी पिक करो ना, कभी भी क्लच पे मत उठाना प्योर। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिल्कुल क्लच पे उठाते हैं, ब्रेक पे पैर रखते हैं, वो कभी मत करना। हमेशा जब भी क्लच छोड़ोगे ना तो ब्रेक से पैर तो अलग होना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, रेस पे पैर जाना चाहिए, और हल्की सी रेस देनी चाहिए। लगभग 1000 जैसा 800 आरपीएम पे रहता है ना आपका आरपीएम मीटर, आरपीएम मीटर जो होता है, तो उसे लगभग 1100 के आसपास हो तब क्लच छोड़ना। और क्लच छोड़ के रोकना मत उसको, उसको पूरा छोड़ देना, फिर आपकी गाड़ी चलती रहेगी।